हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि फेयर रूल्स एंड स्मार्ट कार्ड आर यूज्ड इन अहमदाबाद मेट्रो, मतलब कि वहां पे क्या चार्जेस है और स्मार्ट कार्ड को कैसे यूज करना है, उसका क्या यूज है, उसका क्या बेनिफिट्स है। तो चलिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। तो पहले हम टॉपिक उठाएंगे स्मार्ट कार्ड, मतलब एक कार्ड है वहां पे दिया जाएगा। अगर कई लोगों को कैश रखने की आदत नहीं है, वो चाहते हैं कि हम कार्ड से फटाफट अपना काम करें, तो इसमें दिया हुआ परचेज एंड रिचार्ज ऑफ द स्मार्ट कार्ड, मतलब कि आपको जो कार्ड है वो कहां से और कैसे परचेज करना है, उसको रिचार्ज कैसे करना है। पैसेंजर जो है स्मार्ट कार्ड परचेज कर सकता है स्टेशन के थ्रू बाय पेमेंट ऑफ 100, मतलब 100 रुपए देके, जिसमें से 50 रुपया है वो अपने पास सिक्योरिटी डिपोजिट रखेंगे और 50 रुपया है वो स्टोर वैल्यू, वो आइडिया नहीं है। तो आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं कैश भी देके, पॉस मतलब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जिसके। और दूसरा है पैसेंजर और भी कैन रिचार्ज CSC इन मल्टीपल और 50 और अप टू मैक्सिमम 3000, मतलब कि आप 50-50 रुपए भी रिचार्ज कर सकते हैं, लास्ट 3000 तक भी रिचार्ज कर सकते हैं। पैसेंजर कैन रिचार्ज CSE यूजिंग टोकन वेंडिंग मशीन एंड रिचार्ज मशीन एट ऑपरेटिंग स्टेशन, मतलब पैसेंजर जो है वो स्मार्ट कार्ड को टोकन वेंडिंग मशीन भी, वहां पे एक मशीन रखी होती है वहां से भी रिचार्ज कर सकते हैं, और रिचार्ज कार्ड की भी अलग से मशीन दी हुई है वो भी ऑपरेशन स्टेशन, मतलब स्टेशन के अंदर। जो कार्ड है वो 5 साल के लिए, 5 साल फ्रॉम द लास्ट रिचार्ज, ये थोड़ा कम समझ आया। CSE वैलिड फॉर द 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट रिचार्ज, मतलब 5 साल तक ये कार्ड जो है वो वैलिड है। स्मार्ट कार्ड को कैसे यूज करना है, स्मार्ट कार्ड को जो है टैप द स्मार्ट कार्ड ऑन द एंट्री फेयर गेट टू एंटर इनटू द पेड एरिया एंड एग्जिट फेयर गेट टू एग्जिट फ्रॉम द पेड एरिया, मतलब अगर आप एंटर करते हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर तो जो एंटर गेट पे जो एक होगी मशीन वहां पे आपको उसको वहां पे से टैप करना है, तो वहां से जो है आपका पैसा लग जाएगा, और जो एग्जिट है वहां से आपको टैप करना है तो वहां से वहां जो कैलकुलेट होगा वहां से उसका पैसा कट जाएगा। सिक्वेंस इच एंट्री शेल बी फॉलोड बाय एग्जिट वाइल यूजिंग CSE, मतलब जो भी एंट्री का जो पैसा कट रहा है वो एग्जिट के जब आप कहीं एग्जिट करें, मतलब फर्स्ट टाइम जो आपने यूज किया एग्जिट दूसरे को से किया, तो वहां से जो कैलकुलेशन बैठे होंगे वहीं से ही आपका वो माना जाएगा कि कहां पे आपने एग्जिट किया है। मिसमैच इफ एंट्री एंड एग्जिट सिक्वेंस डज नॉट फॉलो देयर विल बी एंट्री एग्जिट मिसमैच एरर इन CSE, पैसेंजर शैल कॉन्टेक्ट कस्टमर केयर एट द स्टेशन टू एलिमिनेट एरर, मतलब समझ अगर आप कहीं से भी एंट्री करो, जैसे आप मोटेरा से एंट्री करके आपको थलते जाना हो, अगर आपने कुछ उनके सिस्टम में कुछ एरर आ गई है, एंट्री और एग्जिट मिसमैच हो रहा है, पैसा गलत कट गया, तो आप आके कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम स्टोर वैल्यू रिक्वायर्ड टू एंटर मिनिमम फेयर सिस्टम, इसमें लिखा हुआ है मिनिमम स्टोर वैल्यू रिक्वायर्ड है मिनिमम फेयर सिस्टम के लिए, मतलब कि आपको मतलब आइडिया नहीं आ रहा है। मिनिमम स्टोर वैल्यू रिक्वायर्ड टू एंटर इन द मिनिमम फेयर सिस्टम, मतलब उनका कोई स्टोर वैल्यू होगा वो चाहिएगा फेयर सिस्टम के अंदर एंटर करने के लिए, मतलब कि उतने आपको कुछ वहां पे कुछ डिपॉजिट रखना होगा, उस हिसाब से आपको अंदर एंट्री होगी कार्ड के थ्रू, स्मार्ट कार्ड के थ्रू। फेयर डिडक्शन, फेयर विल बी डिडक्ट एट एग्जिट फेयर गेट एज पर जर्नी परफॉर्म इन द केस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट एट सेम मिनिमम फेयर और सिस्टम विल बी डिडक्टेड, मतलब अगर आप समझिए कि जो पैसा कटने का जो सिस्टम है कार्ड के थ्रू वो एग्जिट जब करोगे आप एंट्री से लेकर एग्जिट पे ही कटेगा। अगर आप समझिए आपने मोटेरा के अंदर एंटर किया फिर मोटेरा से एग्जिट हो गए तो मोटेरा टू मोटेरा जो भी चार्ज होता है जो भी उन्होंने सेट किया है वही कटेगा, पर पैसा तो कटेगा एक बार एंट्री हो गया तो। पैसेंजर कैन चेक स्टोर वैल्यू थ्रू रिचार्ज कार्ड मशीन एट द ENQ मशीन, मतलब पैसेंजर जान सकता है कि उसके अंदर बैलेंस कितना है उसके कार्ड के अंदर, पर उसमें लिखा हुआ है नोट ENQ मशीन इज करंटली नॉट अवेलेबल इट विल ऑपरेशनल सून, मतलब जो मशीन चेक करने का है वो अभी तक अवेलेबल नहीं। बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट कार्ड, मतलब स्मार्ट कार्ड के साथ क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। सेव मनी, पैसेंजर कैन यूज कार्ड फॉर ट्रैवलिंग विदाउट 10% एंड डिस्काउंट ऑन कॉम्प्लेक्शन ऑफ जर्नी, मतलब अगर आप जर्नी करो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सेव टाइम, नो नीड टू स्टैंड इन क्यू टू परचेस टोकन, मतलब वहां पे कैसा कुछ कॉइन या कुछ दिया जाता है वहां पे आपको कार्ड के लिए कार्ड हो अगर आपके पास तो आपको खड़े रहने की जरूरत नहीं है, मतलब क्या टैप करो और निकलो बस। एंजॉय कन्वीनियंस, यू कैन कैच ट्रेन एट द लास्ट मोमेंट, मतलब अगर आप समझिए अगर आपका कार्ड नहीं है और आप टोकन के लिए खड़े हो अगर आपकी ट्रेन निकल रही है तो आपको उसकी दिक्कत नहीं पड़ेगी, बस टैप करो और फटाफट बैठो ट्रेन के और निकलो। रेट फ्लेक्सिबिलिटी,
स्मार्ट कैन बी यूज्ड बाय फ्रेंड्स फैमिली एंड रिलेटिव्स, मतलब आपका जो स्मार्ट कार्ड है आपके भाई भाई भैया दोस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है एक्सेट्रा सब यूज कर सकते हैं। फ्रीडम जर्नी कैन बी एक्सटेंड और टर्मिनेटेड विदाउट प्री प्लानिंग एज फायर विल बी डिडक्टेड एज एक्सिट फायर गेट। जर्नी आप बढ़ा भी सकते हो और उसको मतलब कि आप बंद भी कर सकते हो, टर्मिनेट मतलब उसको हटा भी सकते हो विदाउट प्री प्लानिंग एज फायर प्लेस, मतलब अगर समझिए आपको कहीं से और आगे जा आपका पैसा कट गया हो इसमें ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको जाके कुछ कम ज्यादा करवा सकते हो। स्टोर वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ सीएससी विल नॉट रिफंड एज अ कैश, मतलब अगर समझो अगर आपने कार्ड के अंदर रिचार्ज करवा दिया तो आप उसका रिफंड कैश में नहीं ले सकते, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। इन केस ऑफ अनरीडेबल सीएससी, मतलब अगर आपका कार्ड रीड नहीं हो रहा है, अगर समझो आपका कार्ड नहीं चल रहा है तो रिफंड ऑफ स्टोर वैल्यू विल बी प्रोवाइडेड इन द न्यू सीएस एज पर बिजनेस रूल्स ऑफ जीएमआरसी, तो आपका पैसा तो रिटर्न नहीं मिलेगा पर आपको दूसरा कार्ड मिल जाएगा उसके अंदर आपका बैलेंस जो है वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इफ द पैसेंजर वॉन्ट टू रिफंड रिडेबल सीएससी ओनली सिक्योरिटी डिपोजिट विल बी रिफंड आफ्टर डिडक्टिंग एडमिन चार्जेस एज पर बिजनेस रूल्स ऑफ जीएमआरसी। अगर पैसेंजर को पैसा रिटर्न चाहिए कार्ड में से तो ओनली सिक्योरिटी डिपोजिट ही रिटर्न होगा और वो भी आफ्टर एडमिन चार्जेस, जो भी उनका चार्जेस एडमिन चार्जेस जो सेट किया हुआ है वो भी बिजनेस रूल ऑफ जीएमआरसी जीएमआरसी के अकॉर्डिंग जो रूल बनाया उसके लिए उसके थ्रू। प्रोसीड फॉर रिफंड और स्टोर वैल्यू ऑफ अनरिडेबल सीएससी इन न्यू सीएससी विल बी टेक अप टू 7 डेज, मतलब कि अगर समझिए आपका कार्ड खराब हो गया है तो आप उसका जो प्रोसेस फॉर रिफंड, अगर आपको समझिए रिफंड चाहिए तो आपको 7 डेज लगेंगे अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ जीएमआरसी। और अभी हमने तो अभी बात की स्मार्ट कार्ड के लिए, अभी हम बात करेंगे चार्जेस के लिए। फॉलो आर द फेयर मीडिया अलाउड फॉर ट्रैवलिंग विद जीएमआरसी नेटवर्क। कॉन्टेक्टलेस स्मार्ट टोकन, मतलब एक टोकन दिया जाएगा आप उससे भी ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब एक बार टोकन डाला तो बस खत्म, ऐसा कुछ है। कॉन्टेक्ट स्मार्ट कार्ड, आपको एक कार्ड भी दिया जाएगा जिसको सीएससी बोलते हैं और कॉन्टेक्ट स्मार्ट टोकन उसको सीएसटी बोलते हैं। और थर्ड ऑप्शन जो है टेम्पररी पेपर टिकट, मतलब कि अगर समझे इनका ये दोनों सिस्टम बंद हो तो आपको पेपर भी दिया जाएगा जो बीआरटीएस में दिया जाता है जो क्यूआर कोड वाला। फॉलो आर फेयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर ट्रैवलिंग विद जीएमआरसी। अब इसमें ऐसा बोला हो कि आप किस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब कि आप सिंगल जर्नी का भी टिकट ले सकते हैं, एसजेटी उसको शॉर्टकट दिया हुआ है, और रिटर्न जर्नी का भी टिकट ले सकते हैं आरजेटी दिया हुआ है। ग्रुप टिकट मतलब आप 10 जनों से ज्यादा जो लोग हैं आप उसका टिकट साथ में परचेस कर सकते हैं चाहे वो सिंगल हो रिटर्न हो। और फोर्थ टूरिस्ट टिकट है। अब एक और इसमें अच्छी बात यह है कि जो बच्चे हैं वो 3 फीट के नीचे, जो 3 फीट मतलब 90 सेंटीमीटर के नीचे वो फ्रीली घूम सकते हैं, उनके लिए कोई चार्ज नहीं है। जो टोकन परचेस किया हुआ है वो यूज है बिजनेस डेज के अंदर ही, मतलब बिजनेस डेज के अंदर ही वो टोकन जो आप परचेस करोगे वही यूज होगा। बिजनेस डे विल बी कंसीडर्ड एज इंप्लीमेंटेड टाइम टेबल फॉर रेवेन्यू चार्ज, मतलब बिजनेस डे जो उनके थ्रू जो कंसीडर किया हुआ है अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल के थ्रू ही वो बिजनेस डेज जो है वो कंसीडर किया जाएगा। पैसेंजर कैन परचेस फेयर मीडिया प्रोडक्ट्स बाय पेमेंट थ्रू कैश और पीओएस डेबिट कार्ड। पैसेंजर मतलब जो है अपना जो कार्ड रिचार्ज कराना है वगैरह जो भी है वो पोस्ट सिस्टम मतलब कार्ड घिसके पैसा देके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। रिफंड ऑफ टोकन ओनली अनयूज सीएसटी कैन बी रिफंडेड विद इन 30 मिनट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इशूइंग फ्रॉम द इश्यू स्टेशन, मतलब समझिए अगर आपने कोई टोकन ले लिया और आपको समझ मोटे ऐसे बैठ के कहीं जाना है पर आपका कुछ कारण कैंसिल हो गया तो आप वो पैसा ले सकते हैं पूरा, वो भी कुछ 30 मिनट के अंदर, ऐसा लिखा हुआ है। ओनली अनयूज सीएसटी कैन बी रिफंडेड विद इन 30 मिनट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इश्यू फ्रॉम द इश्यूइंग स्टेशन ऐसा। मैक्सिमम परमिशन टाइम 20 मिनट्स इन द केस ऑफ एग्जिट फ्रॉम सेम स्टेशन एंड 120 मिनट्स इन द केस ऑफ एग्जिट फ्रॉम अदर स्टेशन, मतलब 20 मिनट से ज्यादा आपको सेम स्टेशन पे खड़ा नहीं रहना होगा 20 मिनट। लगेज लिमिट, पैसेंजर जो है 25 किलो का बैग लेके जा सकता है, उसका डायमेंशन कैसा होना चाहिए 80 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। हाइट उसकी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ब्रेथ जो है उसकी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए और लेंथ जो है उसकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लगेज का जो साइज है अकॉर्डिंग टू द रूल वो वैसा ही होना चाहिए वरना आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, वो मैंने शायद से पहले भी वीडियो में बता दिया होगा। पेनल्टी क्या लगती है, 200 रुपये पेनल्टी लगेगा अगर आप जो है वहां पे विदाउट टोकन आप जा रहे हो, वैसे तो पॉसिबल नहीं है तो उसका 200 रुपये पेनल्टी है। फिर 10 रुपये पेनल्टी तब है पेनल्टी ऑफ 10 रुपीज पर आवर पर्सन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम और 50 रुपीज पर
पर्सन स्टैंडिंग इन द पेड एरिया फॉर द टाइम मोर देन मैक्सिमम परमिट टाइम। मतलब अगर बंदा जो टाइम सेट किया हुआ है टोकन के अंदर, जो चिट्ठी के अंदर जो भी, अगर उससे ज्यादा टाइम रह रहा है वहां पे, तो उसको वहां पे 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का फाइन पे करना पड़ेगा। अगर कोई बंदा वहां पे खड़ा है और वो भी विदाउट टिकट गए, तो उसको 50 रुपीज पेनल्टी लगेगी। सो दोस्तों, ये था स्मार्ट कार्ड और चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।